आज हम सिम्फोनी एयर कूलर का इंस्टॉलेशन देखेंगे कि किस तरीके से हमने इंस्टॉलेशन किया है। तो जी हाँ, मेरा नाम है आशिफ खान और आप देख रहे हो माई यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी आप ये ऊपर की तरफ से देख सकते हो, तो ये है मॉडल पैक U25 बड़ा वाला मॉडल, और उसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किया है GI का डक्ट कुछ इस तरीके से। ऊपर PVC का डक्ट है और यहाँ से हमने GI का बैंड बनवाया है क्योंकि इसका डिस्टेंस काफ़ी था, इसलिए हमने यहाँ पे GI इस्तेमाल किया। उसके बाद में प्लास्टिक डक्ट है और इसके बाद यहाँ से अंदर आते आप देखोगे तो यहाँ पे प्लास्टिक डक्ट है, यहाँ से इस दीवार के अंदर गया हुआ है। और इस दीवार के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी फ़िलहाल आप कुछ देख सकते हो, ये पूरा का पूरा हॉल है, कुछ इस तरीके से बड़ा सा हॉल है और इसके अंदर लगे पूरे 3 एयर कूलर। ये बड़ा मॉडल पैक U25 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा ग्रिल, सिम्फोनी का जो ऑटोमेटिक ग्रिल है वो लगा हुआ है। और सामने आपको दिखाओ तो वहाँ पे एक लगा है हमारा कूलर, लेकिन वो मॉडल है और एक वहाँ पे लगा हुआ है और एक आप देखेंगे तो एक यहाँ पे लगा हुआ है ये, ठीक है। ये दोनों जो मॉडल है वो पैक U25 है, सॉरी पैक U20 ये मॉडल है, ये दोनों का दोनों जो ये है ये पैक U20 मॉडल है। तो चलिए इसका मैं बाहर की तरफ आपको दिखाता हूँ, पैक U20 जो मॉडल है उसको दिखाता हूँ। और अभी आप देखेंगे तो पैक U25 जो है इसका एयर का साउंड देखिए तो ये है, और मैं आपको इसका डिस्टेंस दिखाता हूँ। ये इसका डोर है आउट का, और इसका डिस्टेंस का मैं बात करूँ तो यहाँ से होगा मेरे हिसाब से आपका ये कुछ नहीं तो 30 फीट है, ठीक है 30 फीट है। और 30 फीट आप देखेंगे तो बिना डक का हवा जो है ना 30 फीट तक फेंक रहा है, आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा हॉल है। अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, आपको बाहर की तरफ से मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पैक U20 मॉडल है छोटा वाला, आप देख सकते हो दीवार के बाहर, और यहाँ पे कंपनी ने यूज़ में लिया हुआ है, एक यहाँ पे आ गया है और एक इसके बाहर की तरफ है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका डक्ट यहाँ पे आया हुआ है, ये सामने आपको डक्ट जो दिख रहा है ये है सिम्फोनी का जो प्लास्टिक डक्ट होता है वो यूज़ किया हुआ है और बैंड से अंदर चला गया हुआ, ठीक है। इसका कूलर पतरे के ऊपर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ बाहर की तरफ से मैं। तो ब्रावर नहीं दिख रहा था, फिर भी आप लोगों को दिखा दिया, वहाँ पे रखा हुआ है अपना एयर कूलर और ये पूरा का पूरा फैक्ट्री है। ये बाहर की तरफ एग्जॉस्ट फैन देखेंगे आप, बहुत सारे लगे हैं, ये सब एग्जॉस्ट फैन भी हमने ही बल लगाया हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पैनल लग गया है सिम्फोनी का और चालू भी हो गया है, यहाँ पे इंडिकेटर कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। और आप लोग को दिखा देता हूँ मैं ये सिम्फोनी का कूलर, यहाँ पे ये भी चालू हो गया हुआ है, ये आपको देखो तो ये पूरा का पूरा हॉल है। और अभी इस वक्त पे है ना आपका तीनों का तीनों एयर कूलर जो है वो चालू हो गया है, दो ब्लूटूथ से कनेक्ट है, ये जो 20U है ये मॉडल ये, और साथ में ये वाला, ये दोनों का दोनों जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया हुआ है अपने फ़ोन से ही। अगर मुझे ऑन ऑफ करना है तो मैं यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। और दूसरा जो ये है 3-phase का, जिसे हम U25 बोलते हैं, ये ब्लूटूथ नहीं है, ये नॉर्मल पैनल है, पैनल के थ्रू है, आपको दिखाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर ये 3-phase का, इसके अंदर ही सब सेफ्टी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो सिंगल फेस प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिशियन ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये सब बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, मतलब ये सेफ्टी के लिए है, ये सारे के सारे सेफ्टी है, ठीक है, मोटर को ख़राब होने से बचाते हैं। 3-phase का मशीन है, अभी फुल टू यहाँ पे चालू हो चुका है पूरा का पूरा मशीन। अभी जो अपना फ़ोन है वो कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ से, ये मशीन अभी कोई भी हवा नहीं आ रहा है, और यहाँ से आप चालू करते हैं इसका पावर ऑन, ये हो गया चालू। हाँ ये टोपी हिल रहा है, ठीक है, इतना टोपी उड़ रहा है टकला भी उड़ जाएगा, तो ये आ रहा है। और यहाँ पे कूल का ऑप्शन दिया हुआ है, फैन का ऑप्शन दिया, टाइमर का ऑप्शन दिया, यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, इसे बंद करेंगे, ये यहाँ पे फैन बंद हुआ, यहाँ पे फैन बंद हो गया, ठीक है, ये आपका बंद इस तरीके से। अभी आप लोग को मैंने पूरा वीडियो दिखा दिया है और आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। अभी जो है वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और कोशिश करूँगा कि ऐसे ही वीडियो आप तक लाता रहूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।